विनोद 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 वो पोकेमोन जो जंगली आग से ज्यादा तेजी से इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे फैल रहा है। अगर आप इस मिथिकल क्रीचर के बारे में जानना चाहते हो तो डोंट वरी, आई गॉट योर एस। वैसे तो मैं गेमिंग वीडियोस बनाता हूँ, बट 8 घंटे पहले मैंने इंस्टाग्राम पे कुछ पूछा था। विनोद पे वीडियो बनाए क्या? जिसके रिस्पॉन्स आते हैं, यस सर, बिग फैन, बिग इन्वर्टर AC, प्लीज मेक, यस, हाँ, हट बे, या ब्रो। सो आफ्टर सीइंग दिस ओवरवेलमिंग रिएक्शंस, मैंने सोचा कि वीडियो बना ही देता हूँ। और अगर तुम लोगों ने मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करा तो सही में कितना बुरा लग रहा है तुम लोग के लिए, कितनी मस्त चीजें मिस कर रहे हो यार। अगर तुम रात के 4:20 AM पे YouTube खोलते हो और किसी भी बड़े लाइव स्ट्रीमर की लाइव स्ट्रीम खोलते हो तो तुम लोग को चैट में सिर्फ एक पोकेमोन का नाम स्पैम होते हुए दिखेगा, विनोद। अपने स्काउट भैया की लाइव स्ट्रीम में ये वाला नेम स्पैम हो रहा था, एंड बीइंग अ प्रोफेशनल ई-स्पोर्ट्स प्लेयर, उनको लगा कि कोई नया प्लेयर आया है। अबे इस टाइम पे कौन पांडू कॉल कर रहा है बे? भाई अच्छा तू है, बोल। भाई, जिस स्पीड में मिनिमम रैप करता ना, उससे ज्यादा स्पीड में स्काउट गाली देता है। शिट। ओके, तो जोक्स अपार्ट, स्काउट की ऑडियंस मोस्टली पबजी की है, और जब सारे बच्चे विनोद स्पैम करने लगे तो यार बेचारे को लगा होगा कि कोई नया प्लेयर आया है। अगर स्काउट की जगह मैं होता तो मेरे को भी वही लगता। इवन लाइव इंसान के 24 आवर्स चैरिटी लाइव स्ट्रीम पे भी ये वाला नेम स्पैम हो रहा था। आई मीन हैट्स ऑफ टू यूनिस्टर, 24 आवर्स कैसे कर लेता है भाई, कीप डूइंग द ग्रेट वर्क। और उन लोग के लिए जो विनोद स्पैम कर रहे थे, जितनी भी अभी गाली है ना, तुम लोग के लिए कम है, तुम लोग के लिए एक नई गाली बनानी पड़ेगी। इवन जब कल कैरी मिनाटी पबजी मोबाइल की लाइव स्ट्रीम कर रहा था, जब 100K की वॉचिंग आ रही थी, उसकी स्ट्रीम खोलने पे हर एक बंदा बस विनोद ही स्पैम कर रहा था। तो ये विनोद नाम पढ़ने के बाद मैं थोड़ा क्यूरियस हुआ, और थोड़ी रिसर्च करने के बाद मेरे को इस MCU कैरेक्टर का ओरिजिन स्टोरी पता चला। अबे पांडू, तू ये वीडियो के पहले नहीं बोल सकता था, कितना टाइम वेस्ट करा दिया तूने मेरा। ये क्वारंटीन में टाइम वेस्ट का कमेंट कौन करता है रे बाबा। तो अपने विनोद की इतनी बड़ी स्टोरी नहीं है, अगर तुम यूट्यूब पे विनोद करके सर्च करोगे तो सबसे पहले तुम्हें स्ले पॉइंट की वीडियो आएगी, व्हाई इंडियन कमेंट सेशन इज गार्बेज, और विनोद करके इसने लिखा भी है आई थिंक, क्योंकि काफी सारे लोग कमेंट कर रहे थे इस वीडियो में विनोद 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 करके। और ये वीडियो 2 वीक्स पहले बनी थी, और मेरे को समझ नहीं आ रहा कि लोग अब जाके ये वाला नाम क्यों स्पैम कर रहे हैं। मैं जानता हूँ जियो का स्पीड स्लो है, लेकिन मेरे को ये नहीं पता था कि इतना स्लो है। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो में ऐसा क्या है कि अपना विनोद फेमस हो गया। मैं बहुत कमेंट्स पढ़ता हूँ आजकल, तो इतना फैल रहा हूँ कि दूसरे यूट्यूबर्स के भी पढ़ लेता हूँ। जैसे एक वीडियो देख के विनोद थरू बोले, विनोद बस विनोद, 7 लोग इस कमेंट की विनोदता से इम्प्रेस हो गए। ये हर जगह ऐसे ही फीडबैक देते हैं। अरे अंकल क्यों, कितने दिनों बाद आए, चाय कॉफी खून बिस्की कुछ चाहिए आपको? विनोद सर, आप इसका नाम क्या रखने वाले हो? विनोद। लेकिन ये तो लड़की है। विनोद। तो इस नाम की यही स्टोरी थी, पहले KP ओली और अब विनोद। लोग सही में इतने वेले मैं क्या ही बोलूं। और अगर तुम YouTube पे विनोद थारू करके सर्च करते हो और तुम चैनल से फिल्टर करते हो, ये देखो लिटरली हजारों चैनल बन चुके हैं इस बंदे के नाम पे, विनोद थारू विनोद थारू विनोद थारू विनोद थारू, विद द सेम प्रोफाइल पिक्चर, ग्रीन बैकग्राउंड और बी बोल्ड में। तो गाइस इसकी स्टोरी बस यही थी, काफी सिंपल और स्वीट स्टोरी थी। ऑलरेडी मैंने वीडियो काफी लंबी खींच दी है, मैं ज्यादा लंबा नहीं खींचना चाहता। आई थिंक ऐसे मीम्स काफी सीली लगते हैं, जैसे अपना वो मतमान MC वाला मीम था, और KP ओली वाला भी था मीम, और ये भी विनोद वाला है। बट आई थिंक ऐसी छोटी छोटी चीज़ों में हम लोग खुश हो जाते हैं, छोटी छोटी चीज़ें खुश करती है। सही में यार इंसान कितने मस्त होते हैं, लाइफ ऐसे इंजॉय करते रहो, छोटी छोटी चीज़ों पे हंसते रहो। अगर तुम लोग को ये वाली वीडियो पसंद आती है तो इस वाली वीडियो पे क्लिक करके देखो।